अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब अच्छे होंगे। हमेशा अल्लाह करीम आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, सलामत रखे। अब अगर नहीं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। दो मुस्लिम औरतें हैं, एक यहूदी औरत उनके सामने ज़बान दराजी करती है। उस यहूदी औरत को मालूम है कि मेरे पास यहाँ पुलिस मिलिट्री भी खड़ी हुई है जो उसका साथ वक्ती तौर पर दे सकती है, और वो है भी इसीलिए आखिर फिलिस्तीन के अंदर आए दिन मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म होते ही रहते हैं। इस तरह की वीडियोस बार बार आप देखते रहते होंगे। वहाँ के मुसलमान ना रातों दिन अपने कानों से बंदूकों की बम धमाकों की आवाज़ सुनते हैं, लेकिन जिन सीनों में अल्लाह ताला का नाम होता है ना, जिन दिलों की पुकार नारे तकबीर होती है, जो दिल जो गुलूब बार बार अल्लाह ताला को पुकारते हैं ना, वो नहीं घबराते दुनिया की बम धमाकों से, वो तो अल्लाह का नाम लेते हैं और फिर मुकाबले के लिए खड़े हो जाते हैं। जब इन दो मुस्लिम औरतों के साथ ही यहूदी औरत बहुत ज़्यादा बहस मुबाहसा करती है, बिलाखिर मिलिट्री वहाँ पहुँचती है और ये दोनों मुस्लिम औरतें बआवाज़ बुलंद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर देती हैं। इस नारे के अंदर ना, अल्लाह के इस नाम के अंदर, नारे तकबीर के अंदर न जाने ऐसी क्या चीज़ पोशीदा है कि जब जब ये नारा बुलंद किया जाता है ना, बातिल पर कुफर के ऐवानों में अचानक जलजला बर्पा हो जाता है। फिर क्या था, इन्होंने नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाहु अकबर कहा, इस यहूदी औरत की बोलती बंद हो जाती है, वो कुछ नहीं कह पाती, उसकी ज़बान गुंग हो जाती है। और हमें समझ में आता है कि किसी भी हाल में हम हों अल्लाह ताला को नहीं भूलना चाहिए। आप मुसीबत में हों, परेशानी में हों, पुकारो तो आप अल्लाह को, देखो वो कैसे आपके काम बनाता है। हमारे तमाम फिलिस्तीनी भाई, फिलिस्तीनी बहनें यकीनन अपने दिल के अंदर अल्लाह ताला से मोहब्बत अकीदत ऐसी रखती हैं कि खूब ज़्यादा उन पर मजालिम होने के बावजूद भी ना वो डटी रहती हैं। वो दिखाती है उन जालिमों को, हम कभी नहीं धोखा खाएंगे आपकी बातों से, आपकी धमकियों से, हमारे सीनों में अल्लाह बसता है। अल्लाह करीम तमाम फिलिस्तीनी माओं और बहनों के लिए, तमाम फिलिस्तीनी भाइयों के लिए आसानी का मामला फरमाए। इस वीडियो के मुताबिक आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइएगा। मैं वो आप सबका मेज़बान मोहम्मद नाज़िम रुख्सत होता हूँ, मिलता हूँ इंशाअल्लाह अगले पैगाम के साथ।